नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ खास टॉपिक पे बात होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, आज की मैनेजमेंट की बात की जाए तो आज से हम जीब्रोमिन स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि बर्ड का जो डे है आज 26वां दिन है। हर बार 24-25वां दिन से स्टार्ट कर देते थे जीब्रोमिन, लेकिन इस बार थोड़ा लेट कर दिया दोस्तों। तो आज से हम लोग जीब्रोमिन स्टार्ट कर रहे हैं। पोल्ट्री का ग्रोथ मेन और वजन जीब्रोमिन बहुत बेहतरीन काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो पोल्ट्री का ग्रोथ किन किन कारणों से रुक जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बर्ड का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से बढ़ा सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो जो नए मेरा वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इस चैनल में पोल्ट्री से जुड़े वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री का जो ग्रोथ है मेन है जिसका क्वालिटी का दाना का क्वालिटी, दाना ही है जो पोल्ट्री का ग्रोथ का मेन कारण बनता है। अगर आप फीड लो क्वालिटी का खिला रहे हो तो आपका FCR बहुत कम आएगा। अगर आप दाना बेहतरीन खिला रहे हो तो आपका FCR भी बेहतरीन आएगा। अब हो गया दाना की बात, तो चलिए दाना जो जो नए मतलब खुद फीड बनाते हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा बचाने के चक्कर में दोस्तों सोया का मात्रा कम कर देता है फीड से। फीड में दाना का क्वालिटी अच्छा करने में सोया का सबसे ज़्यादा भूमिका रहता है। अगर आप सोया का मात्रा कम कर देते हो तो इससे आपका FCR कम आएगा, दाना फीड उतना ही खा देगा। तो लोग सोचते हैं कि कुछ सोया बचा के अगले बार में दाना बन जाएगा मेरा, लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना दाना की क्वालिटी ख़राब नहीं करना है। और दूसरी बात है जो वेट पोल्ट्री का ग्रोथ है, दूसरा है इसका चिक्स की क्वालिटी। आप कैसे क्वालिटी का चिक्स ले रहे हो, अगर एकदम लो क्वालिटी का चिक्स लोगे मोर्टिलिटी हाई हो जाएगा और ग्रोथ भी कम देगा, एकदम कम देगा ग्रोथ। एकदम लो क्वालिटी का चिक्स लोगे तो एक बार जो अगर आप चिक्स लेना चाहते हो तो एक बार अपने आसपास में पूछ लेना और क्वालिटी वाला चिक्स ही लेना दोस्तों। कोई जो नया आते हैं बोलते हैं कि मेरे से ले लो चिक्स कम कीमत में दे दूँगा, ऐसे नहीं करना दोस्तों। एक बार आसपास में पूछ लेना, जानकारी लेना, उसके बाद ही चिक्स डालना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, पानी की साफ़ सफाई, ड्रिंकर की साफ़ सफाई और लीडर रैकिंग करते हो कि नहीं। लीडर रैकिंग भी करना है दोस्तों, क्योंकि लीडर रैकिंग में भी बहुत, अगर आप रोज़ लीडर रैकिंग करते हो तो इसमें भी आपका ग्रोथ में बहुत फास्ट आ जाएगा। क्योंकि लीडर रैकिंग से नीचे जितने भी गैस रहता है निकल जा रहता है, इससे बर्ड्स को एकदम आराम रहता है। बर्ड्स आराम से खेल कूद लेते हैं। और है और एक पॉइंट है दोस्तों, अगर आपका फार्म में आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो, अगर इसमें 1000 ही बर्ड छोड़ रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि बर्ड को खेलने कूदने के लिए अच्छा जगह मिलना चाहिए। अगर आप 1000 बर्ड के लिए फार्म बना रहे हो तो 1100 स्क्वायर फीट का घर बनाइए, 100 स्क्वायर फीट ज़्यादा बनाइए, आप 1200 बना सकते हो। जगह जितना ज़्यादा मिलेगा बर्ड को उतना ही ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा आपको, ये जान लीजिए। और एक पॉइंट है दोस्तों ब्रूडिंग। आप ब्रूडिंग किस तरीके से कर रहे हो वो भी मायने रखता है बर्ड को, बर्ड के ग्रोथ में। अगर आप ब्रूडिंग के टाइम में बर्ड को इला डुला नहीं रहे हो, सोया है आसपास में बर्ड, तो उसमें क्या होता है कि बर्ड का छोटा बड़ा होने का कारण होता है। एक जो जो बर्ड आने के बाद सोया रहता है वो छोटा रह जाएगा, और जो बर्ड आने के बाद खेल कूद के खाएगा वो बड़ा हो जाएगा फट से। तो आपको ब्रूडिंग के टाइम क्या करना है, बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब करना है ताकि बर्ड खेले और कूदे और दाना इंटेक करे। इससे छोटा बड़ा होने का समस्या वो ठीक हो जाएगा एकदम से। दोस्तों, जो बर्ड है उन लोगों का साफ सफाई हर तरह से करते रहिए, क्योंकि अगर साफ़ सफाई आप ठीक से नहीं करोगे तो बीमारी आ सकता है। तो आप साफ़ सफाई करने में किसी भी प्रकार की आलसीपन ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा बताना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स कर देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।